एल ओ सी के 12 12 3 11 देखिए तो डी आर को क्या लिखा जाएगा, तो लॉक लॉक को 12 12 3 11 लिखा गया है। तो देखिए एल का आपका यहाँ पे पोजीशन लिखा गया और सी का भी यहाँ पोजीशन लिखा गया और के का भी यहाँ प्लेस वैल्यू यानी पोजीशन लिखा गया और ओ का यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया। तो ओ एक वोवेल है तो वोवेल का अपोजिट लिखा गया है और कॉन्सोनेंट का उस हूबहू यहाँ पे लिख दिया गया है वैल्यू। तो उसी प्रकार हम लोग डी आर करेंगे तो डी आर का एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ 4 हो जाएगा और आपका ई एक प्रकार का वोवेल है तो वोवेल का अपोजिट लिखना है तो अपोजिट क्या हो जाएगा 22 यानी भी हो जाएगा और ए ए भी एक प्रकार का वोवेल है तो वोवेल का अपोजिट क्या हो जाएगा 26 ए का अपोजिट 26। अब आर आप एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का हो जाएगा आपका 18 यानी कि आर का प्लेस वैल्यू लिखना था 18 इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 42 22 26 18 इसका राइट आंसर है। तो ये सवाल आपका नया सवाल आया था TCS उसका क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं।